इधर मैं गाजर को धो के टुकड़ों में काट के फिर जाके इसको ग्रेट करके रखी हूँ। अभी गैस में मैं कढ़ाई को गरम कर लेती हूँ। कढ़ाई गरम हो जाने के बाद इसमें घी डालूँगी। घी थोड़ा ज़्यादा करके ही डालें, घी जितना ज़्यादा डालोगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके इसमें घी डाली हूँ। घी अभी गरम हो चुका है, पूरा घी मेल्ट हो गया है। तो अभी इस घी में मैं जो ग्रेट किया हुआ गाजर है वो उसमें डाल दूंगी। अभी गाजर डालने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाते रहने का है, और मैं इसको बीच बीच में ढक ढक के इसको थोड़ा पका ली ताकि इसमें जो पानी रहता है वो भी थोड़ा सूख जाए और ये थोड़ा पक भी जाए। दूध में पकाने का और इसमें पकाने का थोड़ा टेस्ट अलग होता है। तुरंत दूध डालने से अच्छा है कि उससे पहले आप ढक के थोड़ा इसको पका लें। अभी इसका पानी लगभग सूख गया है तो मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध थोड़ा ज़्यादा करके डालो ताकि ये, और थोड़ा इसको पकाना है और दूध को जलाना भी है। तो ये देखो ऐसा एक कलर आया दूध डालने के बाद। अभी इसको हम थोड़ा और पका लेंगे और दूध को ड्राई कर लेंगे ताकि ये आधा से भी कम हो जाए दूध। और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, चलाना ज़रूरी है नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। दूध कम हो गया है तो ये ड्राई हो गया है तो नीचे बैठने का चांस है, लगने का चांस है, तो इसीलिए बीच बीच में चलाते रहती हूँ। अभी इसमें हम चीनी डाल देंगे। ठीक है, चीनी हमेशा लास्ट में डालने का है, और ये थोड़ा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है, जिसको पसंद है वो डाल सकते हो नहीं तो नहीं। तो ये इसको और थोड़ा पका लेने का है। अभी चीनी को लास्ट में हमें डालना चाहिए क्योंकि चीनी को अगर शुरू में ही डाल दोगे दूध के साथ या उससे पहले तो ये पकता नहीं है। ठीक है, बॉयल होने में टाइम लगता है। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश डाल रही हूँ इसमें। तो काजू किशमिश डालने के बाद और थोड़ा इसको चला के थोड़ा इसको ड्राई कर देना है, और फिर रेडी हमारा गाजर का हलवा। कलर भी देख सकते हो इसका बहुत अच्छा आया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।